गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप ऑल आर यू फाइन टुडे वी रीड ईवीएस चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्सटीन एंड चैप्टर नेम इज़ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स हम त्यौहार मनाते हैं फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बेटा जो त्यौहार होता है वो किस चीज़ का टाइम होता है सेलिब्रेशन का ठीक है दे ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस ये हमें क्या देते हैं जॉय देते हैं और हैप्पीनेस और ख़ुशियाँ देते हैं ठीक है वी शेयर दिस जॉय एंड हैप्पीनेस विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स इस खुशहाली को इस खुशी को हम किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं किसके साथ बांटते हैं अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ बेटा हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं अपने नियर एंड डियर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना सभी अपने रिश्तेदारों के साथ हम गिफ्ट देते हैं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बांटते हैं मिठाइयाँ वी विज़िट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के घर पर जाते हैं रिलेटिव के घर पर और क्या करते हैं गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं वी वियर न्यू क्लॉथ्स बाई स्वीट्स एंड कुक स्पेशल डिशेज हम नए कपड़े पहनते हैं बाई मिठाइयाँ खरीदते हैं और घर पर स्पेशल डिशेज बनाते हैं वी आल्सो विजिट प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रे हम पूजा के स्थान पर मंदिरों में भी जाते हैं वहाँ पर जाकर प्रार्थना भी करते हैं वी ऑलरेडी नो हाउ फेस्टिवल लाइक दिवाली क्रिसमस गुरुपर्व एंड ईद आर सेलिब्रेटेड हम जानते हैं कि ये फेस्टिवल जैसे दिवाली है क्रिसमस है गुरुपर्व और ईद हम कैसे मनाते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स नीचे दी आप पिक्चर्स देखो और फेस्टिवल्स के नाम आपको राइट नेम राइट करने हैं पिक्चर्स को देख कर ओके फर्स्ट पिक्चर में बेटे क्या कर रहे हैं सभी क्रैकरस ठीक है ना फुलझड़ियाँ लाइट लाइटनिंग कर रहे हैं लैम्प को ठीक है अर्थन लैम्प को दिए जला रहे हैं रंगोली बनाई हुई है तो ये किस चीज़ की पिक्चर इससे किस चीज़ का हमें आइडिया हो रहा है दिवाली ओके सेकेंड इज कलर ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं हम इसको कलर्स uh, का फेस्टिवल पिक्चर uh, में आपको देख के आइडिया हो रहा है ये है होली थर्ड इज दिस इज द फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर रक्षाबंधन फोर्थ इज इस दिन हम क्या करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हैं ईद ई आई डी ईद नेक्स्ट इज क्रिसमस सी एच आर आई एस टी एम ए एस क्रिसमस एंड लास्ट इज केरला फेस्टिवल इस दिन बोट रेस भी होती है साउथ में आ, ये क्या है ओनम ठीक है नेक्स्ट पिक्चर इज इस दिन हम क्या करते हैं मेघनाद कुंभकर्ण और रावण का पुतला जो है जलाते हैं इसे हम बोलते हैं दशहरा नेक्स्ट इज अभी हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है थर्टी नवंबर को इट्स अ गुरु पर्व एंड लास्ट इज इस दिन सभी क्या करते हैं नदियों में और तीर्थ स्थल पर जाकर अर्ली so मॉर्निंग स्नान करते हैं नहाते हैं इसे बोलते हैं हम मकर संक्रांति वी आल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स हम राष्ट्रीय त्योहार भी मनाते हैं दे आर रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती और ये त्यौहार कौन कौन से हैं हमारे रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टीन अगस्त एवरी ईयर हर साल हम पंद्रह अगस्त कब मनाया कब मनाते हैं पंद्रह अगस्त को द मेन सेलिब्रेशन इज़ हेल्ड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली जो मेन सेलिब्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है लाल किले लाल किले पर दिल्ली में आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तिरंगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है झंडा वो कहाँ पर फहराते हैं लाल किले पर ही एड्रेस द नेशन एंड डिलीवर्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज वो पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं स्पीच देते हैं उस दिन ठीक है और ज़रूरी संदेश भी पूरी पब्लिक को पूरे इंडिया को देते हैं दिस इज दिक्चर यू कैन सी इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी एवरी ईयर द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली आवर प्रेजिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग देर इज अ ग्रैंड परेड इन विच द आर्म फोर्सेज द पुलिस फोर्स स्कूल चिल्ड्रेन एंड फोक डांसर्स टेक पार्ट सेकेंड हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है वो रिपब्लिक डे है ये कब मनाया जाता है ट्वेंटी सिक्स जनवरी को इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था लागू हुआ था हमारे देश पर द मेन फंक्शन क्या होता है राजपथ पर होता है नई दिल्ली में और हमारे प्रेसिडेंट हैं जो राष्ट्रपति जी हैं वो तिरंगा झंडा हमारा नेशनल फ्लैग को फहराते हैं और ग्रैंड परेड बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है जिसमें आर्म फोर्सेस भी होती हैं पुलिस फोर्स भी इंक्लूड होती है स्कूल के बच्चे भी और अलग अलग राज्यों से सभी फोक डांसर्स भी भाग लेते हैं चिल्ड्रन जो बहादुरी हु विन अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी आर आल्सो पार्ट ऑफ द परेड ठीक है ब्रेवरी बहादुरी के लिए जो बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है वो भी इसका एक पार्ट है परेड का द राइड ऑन डेकोरेटेड एलिफेंट्स हाथियों की सवारी करते हैं आवर टेक्स फ्रॉम द हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो परेड से सलामी लेते हैं कलरफुल टेबल्यू टेबल्यू ऑफ मैनी स्टेट्स मेक द परेड लाइवली झांकियां निकाली जाती हैं रंगीन सजी हुई अलग अलग राज्यों की आ uh, टेबली ऑफ स्टेट हाईलाइट द प्रोग्रेस द स्टेट हैज़ मेड ठीक है कि हाईलाइट किया जाता है हर एक स्टेट को कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है स्टेट ठीक है राष्ट्रपति भवन इज डेकोरेटेड विद कलर्ड लाइट्स इन द इवनिंग पूरे राष्ट्रपति भवन को सजाया जाता है रंगीन लाइट्स से शाम को नेक्स्ट इज गांधी जयंती गांधी जयंती इज सेलिब्रेट ऑन सेकेंड अक्टूबर एवरी ईयर गांधी जयंती कब मनाया जाता है सेकेंड अक्टूबर को हर साल वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी बर्थडे ऑन दिस डेज ऑन दिस डे इस दिन हम आ, महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन हमारे महात्मा गांधी को हमें राष्ट्रपिता के नाम से इज पॉपुलर पॉपुलरली नॉन एज बापू ठीक है उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है और वो बापू कहकर मेनली पॉपुलर हैं ऑन दिस डे इस दिन द प्रेजिडेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल पे देयर रिस्पेक्ट एंड ऑफर फ्लावर्स एट हिज समाधि एट राजाट इन न्यू डेली प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री इस दिन जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट और जितने भी पॉलिटिशियंस और इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं वो राजघाट पर जाकर उन्हें फ्लावर्स uh, चढ़ाते हैं फूल चढ़ाते हैं श्रद्धांजलि दी जाती है उन्हें और बहुत सारी प्रेयर्स भी आयोजित की जाती हैं प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की जाती हैं मैच द नेशनल फेस्टिवल विद द डेट ऑन विच दे आर सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फिफ्टीन अगस्त सी से फर्स्ट को हम सी से मैच करेंगे नेक्स्ट uh, इज गांधी जयंती गांधी जयंती इज ए सेकेंड अक्टूबर थर्ड इज़ रिपब्लिक डे फिफ्टीन अगस्त सॉरी ट्वेंटी सिक्स जनवरी थर्ड इज रिपब्लिक डे बी पार्ट से हम करेंगे ट्वेंटी सिक्स जनवरी से रिमेनिंग लेसन वी विल रीड टुमारो सो यू फील दिस एक्सरसाइज ऑन योर इन योर बुक हैव एन नाइस डे स्टूडेंट्स